नए साल पे योगी त्रिपलासी ने उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को खुशखबरी दी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जितने भी एग्जाम है सभी की एग्जाम की तारीख घोषित कर दी गई है और इसमें उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है उसकी डेट भी जारी कर दी गई है और इसकी जो परीक्षा है वो 21 अप्रैल को होगी। इसके साथ ही कनिष्ठ सहायक प्रवर्तन सिपाही, आबकारी सिपाही, सहायक कृषि अधिकारी, इन सभी की जो तारीख है वो भी यहाँ पर घोषित कर दी गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले महीने 1500 पदों पर पुलिस की भर्ती निकलने जा रही है, साथ ही 2500 पदों पर नई भर्ती होने जा रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं यूके त्रिपलासी ने जो अपने ऑफिशियल साइट पर एग्जाम कैलेंडर जारी किया है, इसमें हम सभी परीक्षाओं की तिथि देख लेते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर एग्जाम की तिथि जो है वो यहाँ पर घोषित कर दी गई है। और इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड में यूके त्रिपलासी ने एग्जाम कैलेंडर यहाँ पे जारी कर दिया है, तो इसमें यहाँ पे बताया गया जो परीक्षाएं हो गई हैं उसको भी यहाँ पे बताया गया, जो एग्जाम होने वाले हैं उनकी भी पूरी की पूरी यहाँ पे डेट जो है वो जारी कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे दिया गया सहायक कृषि अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता पेयजल, कनिष्ठ सहायक स्टेनोग्राफर, प्रधान प्रसारण अधिकारी और सहायक लेखागार के, इनकी जो परीक्षाएं हैं ये यहाँ पर हो गई हैं। जबकि जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें जो आबकारी परिवर्तन सिपाही की जो परीक्षा है वो 10 जनवरी को होगी और ऑफलाइन पेपर होगा। इसके साथ ही कनिष्ठ अभियंता का जो पेपर है वो भी 10 जनवरी को होगा। इसके साथ जो लेखा लिपिक है ये 21 मार्च को होगा। व्यक्तिगत सहायक का भी 21 मार्च को पेपर है। सहायक अध्यापक जो एलटी परीक्षा है ये भी 21 अप्रैल को ही यहाँ पर होने जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे कनिष्क सहायक का जो पेपर है वो 21 मई को है। स्नातक स्तरीय पद जो है वो 21 मई को 854 पदों पर, जिसमें ये बीडीओ बीपीडीओ इन सभी की भर्ती निकली हुई है, इसका जो एग्जाम है वो 21 मई को होगा। वहीं वन दरोगा का जो पेपर है वो 21 जून को होगा। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया कि पद जिनकी परीक्षाओं पर विचार किया जाना है तो इसमें जो है प्रयोगशाला सहायक, पर्यावरण पर्यवेक्षक का यहाँ पे 300 पद हैं, 308 पद, इस पर भी ऑनलाइन परीक्षा होगा। इसके साथ ही यहाँ पे राजस्व उप निरीक्षक, सहायक लेखागार, बंदी रक्षक, परिवर्तन सिपाही और इसके साथ ही सचिवालय, सुरक्षाकर्मी, मानचित्र सर्वेयर, वाहन चालक, इन सभी के यहाँ पर एग्जाम जो है ये होने हैं। इसमें से कुछ एग्जाम ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर सहायक अध्यापक एलटी शिक्षक भर्ती की बात करें तो एलटी शिक्षक की जो परीक्षा है वो 21 अप्रैल को होगा और यहाँ पर जो बताया गया है कि जो पेपर होगा ये ऑफलाइन ही होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन परीक्षाओं की तारीख जो है यहाँ पर घोषित कर दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड में अगले 3 महीने में 2500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग अगले 3 महीने में 2500 पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। आयोग ने 2 साल में 7000 सरकारी कर्मचारी चयन करने का इरादा जाहिर किया है। आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने कहा कि 2021 में ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम से करीब 20 परीक्षाएँ कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में देरी विभागों से आने वाले अध्याचन में रहने वाली कमियों के कारण होती है। फिर हर बार परीक्षा के बाद पद रिक्त रहने की समस्या को देखते हुए आयोग समान योग्यता वाली परीक्षाओं को क्लब करते हुए परीक्षा कराता है। राजू ने कहा कि उन्होंने भर्तियों में राजनीतिक नेताओं का कोटा होने की टिप्पणी सुनी थी, लेकिन गत 4 साल से उनसे एक भी नेता ने किसी की नियुक्ति को लेकर सिफारिश नहीं की। उन्हें ईमानदारी से भर्ती के लिए सरकार का समर्थन हासिल है। वहीं उत्तराखंड में 1500 सिपाही और 50 से ज़्यादा दरोगाओं के पदों पर भर्ती होने जा रही है। तो वर्ष 2021 पुलिस में नौकरी पाने का सपना रखने वालों के लिए खुशियां लेकर आएंगी। और इस साल 1500 से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती की जानी है। इसके अलावा कुछ सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती आयोजित की जाएगी। इसके अलावा पुलिस को स्मार्ट बनाने के लिए भी काम किया जाएगा। पुलिस विभाग के मुखिया ने पदभार संभालते ही 2021 की योजनाओं का खाका तैयार कर लिया है। तो अशोक कुमार ने बताया कि फरवरी माह में 1500 से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर जाएगी। इसके अलावा 50 सब इंस्पेक्टरों को भी पुलिस विभाग में शामिल किया जाएगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर फरवरी महीने का टाइम दिया गया है और फरवरी में जो है 1500 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली जाएगी।